हाय, दिस इज योर संजुक्ता एके आलू टिक्की एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हम निकल चुके हैं इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। और इस बार हमारे साथ मतलब स्वाति स्निग्धा तो रहते ही है, पर इस बार मेरी सगी बहन भी ज्वाइन हुई है। और ये बहुत ही लास्ट मोमेंट ट्रिप बनी थी। स्निग्धा ने तो 6 तारीख को दोपहर में टिकट्स बुक किए थे और हम शाम को निकल गए थे। और मैंने और स्वाति ने भी 5-6 दिन पहले लाइक 30 सितंबर को हमने पूरा प्लान किया और आज है 6 अक्टूबर स्टार्ट की हमारी जर्नी। इट्स आवर फर्स्ट हॉल। बजे है रात के 11:30 बज, 11:30 हुए हैं और अभी हम लोग ऐसे ही रील्स बना रहे हैं। और स्वाति मैडम ने न्यू शौक है उनका रील बनाने का। यहाँ पे शुरू हो चुकी है फोटोग्राफी। घूमे बंजारे, घूमे नदिया, ये ते मारे। ट्रिप फील्स सो अमेजिंग व्हेन यू आर विद राइट पीपल। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इंदौर। स्वाति, हाउ वाज योर जर्नी? अच्छी थी। स्टाफ वाज गुड। जर्नी तो ठीक है यार, रास्ते तो है ही अभी ये इंडिया के। ये हमारे रास्ते, ये ऐसे रस्तों में दिख रहा है, बट ऐसे बड़े बड़े वाज अ रोलर कोस्टर राइड, बट मजा आ गया। एंड वी आर इन इंदौर नाउ। वी आर लुकिंग, वी आर वेटिंग फॉर कैब टू बी हियर। फिर हम जाएंगे होटल, विल चेक इन एंड देन टुडे वी विल एक्सप्लोर इंदौर। ऑल्सो दीदी, हैप्पी बर्थडे। सो हमने ठाणे से इंदौर के लिए बस ली थी। ठाणे तीनहात नाका से हमने बस पकड़ी थी। स्लीपर बस थी, स्लीपर एसी, और 1200 रुपीज पर पर्सन चार्ज था। कैब हमने इंदौर से जब की तो होटल के लिए 110 रुपये लिए गए थे। सो अभी हम लोग ने चेक इन किया होटल में, फिर हम लोग आ गए कांच मंदिर देखने के लिए। ये है कांच मंदिर। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट इट इज़ रियली प्रिटी, लाइक स्मॉल डिटेलिंग्स इतना ब्यूटीफुल है। यू गाइस, इफ यू आर एवर इन इंदौर, प्लीज़ कम टू सी द कांच मंदिर। और ये है इंदौर का हमारा फर्स्ट मील। ये है मधुराम स्पेशल सैंडविच। अभी अच्छा लग रहा है, पेट पूजा हुआ, एंड आई विल रियली रिकमेंड दिस सैंडविच, क्योंकि 150 में इतना यमी। इट हैज़ पनीर, चीज़, पूरा ऐसे प्रॉपर जम्बो सैंडविच आया था एंड इट वॉज सो अमेजिंग। लाइक हम चारों का पेट भर गया, तो वर्थ द प्राइस। सो या, दिस इज द मधुराम सैंडविच। यहीं पे है, दे डोंट हैव एनी द ब्रांच, थोड़ा कम है। चलो, सो अभी पेट पूजा होने के बाद हम जा रहे हैं रजवाड़ा पैलेस की तरफ। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, और एक अच्छा है कि हमें हेल के पास ही लिया होटल, सो वहाँ से कांच मंदिर भी कवर्ड। अभी हम लोग रजवाड़ा पैलेस, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो लेट्स गो, आई एम मोर एक्साइटेड फॉर द फूड हियर। So I'm just waiting for night और सराफा जाएंगे और बहुत कुछ खाएंगे। So let's see. रजवाड़ा पैलेस होड़कर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली की कई रूपों व वास्तु शैलियों का मिश्रण है। वेस्टर्न आर्किटेक्चर तुला कसं कळालं वेस्टर्न आहे? कारण की हे आर्चे डोम वाले, दिस इज रोमन आर्किटेक्चर अँड दिस कर्विंग्स इंडियन आर्किटेक्चर, खास करून इन राजपूत अँड महाराष्ट्र। ओके, श्याम गुलाबी, गुलाबी दिल की गुलाबी है गुलाब शहर।
काफ़ी सुंदर सा परिसर है। इस महल के एक खिड़की से पूरा इंदौर शहर नज़र आता है और वो इतना खूबसूरत दिखता है कि क्या ही बताऊँ। ये एक पल जो मैंने कैप्चर किया हुआ बड़ा ही यादगार सा था। और यह हमने कर दी थी टुक टुक, यहाँ पे 20 रुपये सवारी चलती है, तो अगर आप भी कभी गए तो आप 20 रुपये से ज़्यादा मत देना। अभी हम लोग रजवाड़ा पैलेस से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं लालबाग पैलेस की ओर। हमने फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया? हाँ, फ्रिज मैग्नेट भी लेंगे। और ये हम लोग को जयपुर की वाइब्स, अगर आपने जयपुर का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो। इतने कड़ी धूप में हम सबको लग गई थी प्यास, तो हमने फटाफट लालबाग पैलेस के बाहर शिकंजी पी ली थी, ये थी 20 रुपए। सो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे गोमाता तीर्थ करके कुछ तो फेस्टिवल है फॉर अपनी गौ माता, पूरा डेकोरेशन किया है। और ये 200 मीटर्स चलने के बाद रजवाड़ा बोल रही हूँ लालबाग पैलेस आएगा। तो काफ़ी म्यूजिक व्यूजिक है, बहुत प्लीजेंट सा वेदर है। उस जमाने में महिलाएं और पुरुष अलग अलग भोजन करते थे और ये है महिलाओं का भोजन कक्ष, ये है पुरुषों का भोजन कक्ष। काफ़ी भव्य दिव्य सा है और दिखने में काफ़ी सुंदर है। इस पैलेस में ब्रिटिश इंस्पायर्ड यूनाइटेड किंगडम की क्वीन विक्टोरिया के बकिंगहम पैलेस का जैसे आर्किटेक्चर है, वैसे ही आर्किटेक्चर आपको इस पैलेस में दिखने मिलेगा और उसके कलर पैलेट भी काफ़ी सुंदर है। इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, साथ ही वन ऐड समथिंग। देखी आप पूरा, फिर नो बोल दी। इट्स सो प्रिटी, इट वाज प्रिटी। खाली ग्राउंड फ्लोर खुला है, फर्स्ट फ्लोर नहीं खुला है, बट बहुत सुंदर था। मैंने नहीं सोचा था, और ये सच्ची में वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर, लाइक ब्रिटिश लोग का बहुत इन्फ्लुएंस है इसको। इट इज वेरी प्रिटी एंड प्लस यू नो कि बहुत अलग से स्वीट क्यूट, इट हैज डिफरेंट डिफरेंट रूम्स। फोटोग्राफी वॉज नॉट, आई डोंट नो इट वॉज अलाउड और नॉट, बट आई मैनेज टू टेक सम क्लिप्स एंड लाइक ऐड इट ऑन, सो यू कैन सी। बट इट्स सच अमेजिंग पैलेस, लाइक बाहर लाइक छोटा सा क्यूट, लाइक इट्स नॉट वेरी मैसिव और बिग, एकदम स्वीट क्यूट। और ग्राउंड फ्लोर ही दे हैव केप्ट फॉर यू नो वॉर पीपल टू विजिट एंड स्टफ। शाम के 4 बजे खाने के लिए, लेट्स सी व्हाट ऑल छप्पन भोग हैज टू ऑफर एंड लेट्स गो। इंदौर आए और छप्पन दुकान नहीं देखा तो आप पक्का कुछ तो मिस कर रहे हो। छप्पन दुकान बेसिकली 56 दुकानें हैं इस एक पूरे एरिया में, और यहाँ पे आप जो चाहे वो खा सकते हो, मोमोज से लेके दही बल्ला से लेके चाट से लेके पानी पूरी से लेके सोया चाप से लेके जो भी तो आपका दिल है खाने का आप सब खा सकते हो। कैसे लग रहा है, हाउ इज द वाइब गाइस, कैसे लग रहा है छप्पन भोग? इंदौर का फूड जो माय लव जो सुनत हुई, हां क्या लेना है? ये फ्राइड क्या है? अब हम लग रहा है चिकन फ्राइड मोमोज एट सैम्स मो। गुड फूड, गुड मूड। छप्पन दुकान की वाइब इतनी सुंदर थी, वहाँ गाने चल रहे थे, फिर हमें पता चला छप्पन दुकान का खुद का पर्सनलाइज्ड रेडियो स्टेशन भी है। यहाँ पे हम मोमोज खा रहे थे, मोमोज सोसो थे, मुझे इतने नहीं पसंद आए, पर पानी पूरी जो थी बहुत अच्छी थी, सूजी की पानी पूरी हमने ट्राई की और हम मस्त आस्वाद ले रहे थे। फिर मैंने और दीदी ने ट्राई किया जामुन शॉट, ये मुझे सुरभी मेरी दोस्त है उसने भी रिकमेंड किया था कि अब जा रहे हो तो जामुन शॉट पक्का पीना, और ये बहुत अच्छा था। ये बेसिकली जामुन का रस है और उसके ऊपर उन्होंने नमक काली मिर्च वगैरह डाला, तो काफ़ी ऐसे बोलते ना कि टैंगी सा फ्लेवर आ रहा था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। ये जामुन शॉट 40 रुपीज़ के थे और फूड भी बहुत अफोर्डेबल था, कुछ भी 200 रुपीज़ के ऊपर नहीं था। इसके साथ हमने पोटैटो ट्विस्टर, फिर कुल्फ़ी, फिर हम सब बहुत अलग अलग प्लेसेस पे ट्राई करके बहुत सारी चीज़ें खाए, पर उसके क्लिप्स नहीं है मेरे पास। हम इसके बाद सीधा लॉज चले गए थे, पर बहुत कुछ यमी यमी सा खाया था। और छप्पन दुकान प्लीज़ 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 जाना। बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, खा तू आदि तू खा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू. द लास्ट टाइम आई व्लॉग आई गेस वी वर इन छप्पन दुकान. नाउ वी आर गोइंग टू, हम लोग वापस लॉज पे आए, थोड़ा टाइम हम लोग ने रेस्ट लिया एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सराफा बाज़ार, जो 9 PM टू रात के 2 तक चालू होता है. इट्स 9:30 PM नाउ, सॉरी फॉर द लाइटिंग. सैटरडे नाइट, सो लेट्स सी. अभी बहुत गली गली में यहाँ पे सब ऐसे एकदम स्मॉल सेक्लूडेड लाइक ऐसा कॉम्पैक्ट है. हाँ, इफ यू गाइस सी वहाँ पे इज द बाजार. लेट्स सी. मुझे मेरे गुरु ने कहा था संजू इंदौरला गेलीस तर सराफा मध्ये भिटभुट्ट्याचा कीस आणि जोशीचे दही बड़े खाच खा, तो मैं तो चालू हो गई थी. मुझे ये सब टेम्प्ट कर तो रहा था पर मुझे बस एक ही था कि जोशी के दही बड़े मुझे खाना है और मुझे भुट्टे का कीस उनका खाना है. तो मैं ढूंढ रही थी जोशी के दही बड़े का दुकान कहाँ पर है, पर बहुत भी बहुत सारी चीज़ें थी, पराठा से लेके उसके बाद कचौरी, फिर जलेबी, फिर मिठाइयाँ, मतलब आप बस नाम लो और वो सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर होती थी. और बेस्ट पार्ट था कि यहाँ पे नो नॉन वेज, एवरीथिंग वाज वेज, और वेज में आपको इतनी वैरायटी देखने मिलेगी, सोया चाप हो, मोमोज हो, बर्गर हो, आप जो चाहो वो खा जाओ. ऐसे लग रहा था कि बोलते ना खाने की फेस्ट महफिल बनी हुई है, दावत इश्क वाली वाइब आ रही थी मुझे. और काफ़ी सुंदर था पूरा, बस बहुत भीड़ भी थी पर चलता है अभी इतना जब सब खाने में. और मुझे भीड़ से आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना फेमस है. तो ये जो है जनाब जोशी जी, जो हवे में दही बड़े उछाल उछाल के लोगों को सर्व करते हैं, यहाँ बस खाना ही नहीं, खाने के साथ एक अलग से एक्सपीरियंस मिलती है. और खाने के साथ जब एक्सपीरियंस हो तो उसका अंदाज़ ही कुछ और होता है. और यहाँ पर यह भुट्टे का किस, जो मैं पूरे ट्रिप में स्वाति स्निग्ध मेरी बहन को पागल कर देते, वो लोग बोले थे बस कर, हाँ जाएंगे जाएंगे सराफा जाएंगे और खाएंगे तो टेंशन मत ले. पूरा टाइम ये है वो भुट्टे का कीस जिसके लिए मैं पागल हुई जा रही थी. और दही बड़े भी समथिंग इतने टेस्टी थे कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है. ऐसे दिल कर रहा है वापस एक बस पकड़ के चली जाऊँ इंदौर और वो खाना सारा एक्सप्लोर करूँ. मुंह में तो मेरे अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि टेस्ट ही तो कसम से बहुत था. ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन, हाँ मेहनती कर, भुट्टे का खीस तुम्हारे लिए मैं खास भुट्टे का खीस लेके आई हूँ. जैसे मैंने बोला जब खाने के साथ एक्सपीरियंस हो तो वो बहुत अलग सा मेमोरी दे जाता है. ये यहाँ पे सराफा के दो स्पेशल गोल्ड मैन हैं जो बहुत तोला सोना पहन के अपनी स्पेशल कुल्फियाँ बेचते हैं. और इनके स्पेशल कुल्फी है जामुन कुल्फी, आप पक्का ट्राई करना. ये इनका पूरा कुल्फी का, यहाँ पे लोग दूर दूर से बस उनके साथ फ़ोटो क्लिक करने आते हैं. तो ये बोलते हैं ना एक्सपीरियंस एक जो चीज़ होती है कि खाना तो यार कोई भी खिला देगा, बट जो एक्सपीरियंसेस होती है, जो उस एक्सपीरियंस से आपको खाना खाने का और दिल करता है, वो बात ही और होती है. ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा था, फ्रूट आइसक्रीम. मतलब आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग में फ्रूट डालते हुए तो बहुत बार मैंने देखे हैं, पर यहाँ पे ये जो कुल्फ़ी या जो आइसक्रीम का दुकान है वो फ्रूट के अंदर आइसक्रीम जमाते हैं और उसको एक्चुअल फ्रूट के अंदर आइसक्रीम होता है.
यकीन नहीं हो रहा है, आप ये आगे की क्लिप देखो, आपको खुद को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था अनार आइसक्रीम, मुझे देखना था कि होता क्या है। हाफ़ की प्राइस है 80 रुपीज़ और फुल की प्राइस है 150 रुपीज़। यहाँ पे ये ऐसे उसे कट किया जाता है और उसकी ये जो है ये पोमेग्रेनेट है और उसके अंदर जो होता है वो प्रॉपर आइसक्रीम होता है, जिसको अभी ये जो जनाब है वो कट कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर, मतलब उसको देख के दिल भर रहा था कि ये क्या है। ये ऐसे लगने में दूर से तो एक एप्पल या फिर अनार या फ्रूट लग रहा है, बट ये है फ्रूट आइसक्रीम और इसके ऊपर वो सॉल्ट और पेपर डाल रहे हैं। और मैंने ये कॉम्बिनेशन कभी ट्राई नहीं किया और सही में इतना अच्छा और इतना टेस्टी लग रहा था। आइसक्रीम के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर का वाइब बहुत ही सुंदर था। सेइंग गुड बाय टू दिस सर।